टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि खुद टाइगर ने अपनी अपकमिंग फिल्म गणपत के मोशन पोस्टर को रिलीज करके जानकारी दी है। और अब खबरों की माने तो एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ गणपत में नुपुर सैनन और नोरा फातेही के साथ रोमांस करते नजर आ सकते हैं। इस फिल्म में टाइगर एक बॉक्सर के किरदार को निभाने वाले हैं। मुंबई की पृष्ठभूमि में बन रही ऐसी फिल्म और ऐसा किरदार टाइगर ने पहले कभी नहीं निभाया है और उनका ये अंदाज फैंस को जरूर पसंद आएगा। टाइगर ने बॉक्सर के रोल की तैयारियां शुरू भी कर दी है। विकास बहल के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म साल 2022 में रिलीज की जाएगी। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि फिल्म गणपत में टाइगर के ऑपोजिट नुपुर सैनन और नोरा फातेही काम करती नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी तक इनके नाम फाइनल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ साजिद नाडियावाला की फिल्म हीरोपंती 2 और बागी 4 में नजर आएंगे। हाल ही में इन दोनों फिल्मों की घोषणा हुई थी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर अकाउंट पर टाइगर श्रॉफ, डायरेक्टर अहमद खान और प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की एक फोटो शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था, बागी टीम फिर से लौट रही है। टाइगर श्रॉफ, प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला और डायरेक्टर अहमद खान फिल्म बागी को लेकर आ रहे हैं। शूटिंग दिसंबर में शुरू होगी। इससे पहले अहमद खान बागी 2 और बागी 3 का निर्देशन कर चुके हैं। वेल, टाइगर की तीनों फिल्में हीरोपंती 2, बागी 4 और गणपत एक्शन से भरपूर होने वाला है, जहां टाइगर श्रॉफ के अलग अलग दिलचस्प अंदाज देखने को मिलेंगे।